सब्सक्राइब करें मेरे चैनल मोहिनीज मेलअप को और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहिनी सागर और आपका मेरे चैनल मोहिनीज मेलअप में स्वागत है। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ मसालेदार राजमा पुलाव की रेसिपी। बहुत ही इजी, सिंपल और लेस टाइम कंज्यूमिंग रेसिपी है ये। झटपट बनके तैयार हो जाता है और इसमें कोई झंझट नहीं है। और साथ ही साथ राजमा पुलाव अपने आप में ही एक कंप्लीट मील है। आप इसे कभी भी बना सकते हैं। आप चाहें तो इसे लंच में बना सकते हैं, डिनर में बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इस राजमा पुलाव को बच्चों के लंच बॉक्स में भी पैक करके दे सकते हैं। आई होप आज की मेरी बनाई हुई रेसिपी आप सभी को अच्छी लगे। तो चलिए देख लेते हैं इसे किस तरह से बनाना है। मसालेदार राजमा पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई में हम डाल देंगे 4 से 5 बड़े चम्मच घी। पुलाव बना रहे हैं तो मैं यहाँ पे घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप घी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप इसके जगह पे रेगुलर कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने 4 बड़े चम्मच घी डाल दिया। 1 बड़ा चम्मच मैं घी बचा लूँगी, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। और घी को अच्छे से गर्म होने देंगे। घी जैसे ही गर्म हो जाएगा हम इसमें ऐड करेंगे ये खड़े मसाले। तो यहाँ पे मैंने लिया है 4 हरी इलायची और 1 बड़ी इलायची। इन दोनों को मैंने दबा के खोल दिया है। 2 तेज पत्ता, 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 2 स्टार एनीस, 2 दालचीनी का टुकड़ा और 4 लौंग। ये खड़े मसाले हम घी में डाल देंगे और लो फ्लेम पे हमें इन्हें 1 मिनट तक फ्राई कर लेना है ताकि इन खड़े मसालों का फ्लेवर घी में अच्छे से आ जाए। जैसे ही ये खड़े मसाले लो फ्लेम पे 1 मिनट तक फ्राई हो जाएंगे और मसालों में से खुशबू आने लगेगी, तब हम फ्लेम को मीडियम लो करेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज का प्याज, जिसे मैंने पतला पतला डाइस कर लिया है। और मीडियम लो फ्लेम पे हमें इन प्याज को फ्राई कर लेना है। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा गोल्डन फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, इसे हमें हल्का सा बस ट्रांसपेरेंट होने तक फ्राई करना है। मीडियम लो फ्लेम पे प्याज को मैंने 2 से 2.5 मिनट तक फ्राई कर लिया है। देख सकते हैं आप, प्याज को मैंने बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं किया है। इसी तरह से आपको प्याज को फ्राई करना है। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। मिक्स करेंगे इसे अच्छे से प्याज के साथ। और अदरक लहसुन की पेस्ट को भी हमें प्याज के साथ फ्राई कर लेना है 2 से 2.5 मिनट तक, ताकि जो अदरक लहसुन का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। दो से ढाई मिनट तक हमने अदरक लहसुन के पेस्ट को भी फ्राई कर लिया है प्याज के साथ। तो इसे एक बार हम चलाएंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज का कटा हुआ टमाटर। तो ये टमाटर को मैंने बहुत ज़्यादा फाइन चॉप नहीं किया है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से आपको टमाटर को काट लेना है, बहुत ज़्यादा इसे बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से प्याज के साथ। तो ये मैंने टमाटर को अच्छे से मिक्स कर लिया है प्याज के साथ। और अब हमें टमाटर को भी मीडियम लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेना है। तो मैं इसे ढक देती हूँ और इसे हमें ढक के फ्राई करना है। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, कढ़ाई का ढक्कन हटाएंगे और अब आप देख सकते हैं जो टमाटर है वो हल्का हल्का सॉफ्ट होने लगा है। तो इसे एक बार हम चलाएंगे और अब इस स्टेज पे हमें फ्लेम को लो कर देना है, क्योंकि हम इसमें पाउडर मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूंगी हल्दी पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, धनिया पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, जीरा पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1/4 छोटा चम्मच। और अभी हमें इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड नहीं करना है, गरम मसाला पाउडर हम बाद में इसमें ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से। तो मसालों को मैंने बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है प्याज टमाटर के साथ। और अब इन मसालों को हमें ढक के लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक फ्राई करना है, ताकि मसाला बिल्कुल अच्छे से पक जाए। और बीच बीच में आपको मसाले को चलाते भी रहना है। तो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, कढ़ाई का ढक्कन हटाएंगे और अब आप देख सकते हैं मसाला बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है, मसालों में से ऑयल रिलीज होने लगा है। तो इस स्टेज पे हमें फ्लेम को लो ही रखना है, क्योंकि हमें इसमें दही ऐड करना है।
तो यहाँ पे मैंने लिया है 3 से 4 बड़े चम्मच दही, जिसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है। दही को आपको बिल्कुल अच्छे से फेंट के इस्तेमाल करना है, वरना उसमें छोटे छोटे लम्ब्स जो रहते हैं वो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो ये दही डाल दिया है मैंने, मिक्स करेंगे इसे अच्छे से। तो ये मैंने दही को भी बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया प्याज टमाटर और मसालों के साथ। और अब हमें इसमें ऐड करना है 100 ग्राम राजमा, जिसे मैंने 4 से 5 घंटे पानी में भिगो के छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने इसे कुकर में 3 से 4 विसल आने तक पका लिया है। राजमा को मैंने बॉईल कर लिया है, तो ये राजमा हम इसमें ऐड करेंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे मसालों के साथ। तो ये राजमा को मैंने बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है मसालों के साथ, और इसे भी हमें मसालों के साथ लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट तक फ्राई करना है, तब तक जब तक कि मसालों में से ऑयल ना रिलीज होने लगे। और बीच बीच में आपको कढ़ाई का ढक्कन हटा के इसे चलाते भी रहना है ताकि ये जले नहीं। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, कढ़ाई का ढक्कन हटाएंगे और अब आप देख सकते हैं राजमा और मसाला वगैरह सब कुछ अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो इसे एक बार हम चलाएंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो जितना आप नमक खाना पसंद करते हो आप उस हिसाब से नमक ऐड कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे नमक को अच्छे से। और अब हमें इसमें डाल देना है चावल। तो मैंने यहाँ पे लिया है 200 ग्राम बासमती चावल, जिसे मैंने आधे घंटे तक पानी में सोख करके रखा हुआ था। पानी मैंने इसका निकाल दिया है। इस मसालेदार राजमा पुलाव को बनाने के लिए मैं बासमती चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे घर के रेगुलर यूज़ वाले चावल से भी बना सकते हैं, जिसे हम डेली दाल चावल में खाते हैं। तो ये चावल मैंने डाल दिया है, मिक्स करेंगे इसे अच्छे से। बहुत ज़्यादा आपको इसे मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने चावल को सोख करके रखा हुआ था। चावल जब सोख हो जाता है तो वो टूटने का डर रहता है, इसलिए आपको बहुत हल्के हल्के हाथों से इसे मिक्स करना है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 से 4 स्लिट की हुई हरी मिर्ची। हरी मिर्ची को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता ऐड करेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। मिक्स करेंगे इसे अच्छे से। इसे भी हमें हल्के हाथों से ही मिक्स करना है, बहुत ज्यादा मिक्स करने की जरूरत नहीं है। तो ये चावल को मैंने मिक्स कर लिया है और अब हमें इसमें ऐड करना है पानी। तो एक बात का आपको ध्यान रखना है पानी ऐड करते हुए, कि चावल को हमने पहले से सोख करके रखा हुआ था, तो बहुत ज़्यादा इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ इसमें 1 कप पानी ही ऐड कर रही हूँ, 1 से 1.5 कप, इतना ताकि चावल उसमें डूब जाए। उससे ज़्यादा हम इसमें ऐड नहीं करेंगे पानी। और एक बार हम इसे हल्के हाथों से मिलाएंगे ताकि चावल अच्छे से पानी में डूब जाए। और अब हमें इसे मीडियम हाई फ्लेम पे बिना कवर के पकाना है, तब तक जब तक कि चावल का पानी ऑलमोस्ट सूख ना जाए। मीडियम हाई फ्लेम पे मैंने चावल को करीब 4 से 5 मिनट तक इसी तरह से बिना कवर के पकाया है और अब आप देख सकते हैं जो पानी का अमाउंट है वो बहुत हद तक कम हो चुका है। तो अब इस स्टेज पे हमें फ्लेम को लो करना है और इसमें ऐड करना है ये बचा हुआ देसी घी। तो अगर आप पुलाव को तेल में बना रहे हैं तो आप इस स्टेज पे देसी घी ज़रूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है पुलाव का। तो ये मैंने बचा हुआ देसी घी डाल दिया है चारों तरफ और अब हम इसे कवर करेंगे और कवर करके हम इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे, तब तक जब तक कि चावल का पूरा पानी ना सूख जाए। तो करीब 3 से 4 मिनट तक मैंने इसे ढक के इसी तरह से पकाया है और अब हम कढ़ाई का ढक्कन हटा रहे हैं। देख सकते हैं आप चावल कितने खिले खिले से बने हैं और हमारा मसालेदार राजमा पुलाव बनके तैयार हो चुका है। फ्लेम ऑफ करेंगे और अब हम इसे सर्व कर लेंगे। तो उसके लिए मैं इसे निकाल लूंगी एक प्लेट में।
गर्मा गर्म मसालेदार राजमा पुलाव बनके तैयार हो चुका है और इसे मैं सर्व कर रही हूँ रायते के साथ। आप चाहें तो इसे प्लेन दही के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अब आप इसे कभी भी बना सकते हैं, चाहे तो लंच में बनाएं, डिनर में बनाएं या बच्चों को लंच बॉक्स में पैक करके दे सकते हैं आप इसे। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को। और अगर आपको आज की मेरी बनाई हुई रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल मोहिनीज मील हब को। और अगर आपको आज का ये मेरा बनाया हुआ वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो आपको आज का ये मेरा वीडियो, तो आप इसे शेयर कर सकते हैं अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।